हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको UPNHM ANM के आंसर की बताने जा रही हूँ, जिसका एग्जाम 27 जनवरी 2019 को हुआ था। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें से हमारा पहला प्रश्न था, अंधता का भारत में मुख्य कारण है। तो इसका आंसर विटामिन ए की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में 28 सप्ताह बाद दर्द रहित रक्तस्राव किस में होता है। इसका सही आंसर था प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPR का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक, तो इसका सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के जनक, इसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स दिया जाता है, डॉट्स किस बीमारी में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है TB यानी कि क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की संख्या, तो शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चम्मच में कितने ml होते हैं, तो इसका सही आंसर है 20 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के कितने अवस्थाएं होती हैं, प्रसव के कितने अवस्थाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के चौथे चरण में क्या किया जाता है, प्रसव के चौथे चरण में क्या किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजर में कौन सा टीका नहीं रखा जाता है, इसका राइट आंसर है DPT यानी कि डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलकम साइन किसे कहा जाता है, वेलकम साइन किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG संबंधित है, राइट आंसर हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में स्थायी नसबंदी को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है वैसेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में IM इंजेक्शन देने का उपयुक्त स्थान है, इसका राइट आंसर वास्टस नेट्रालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात की सामान्य हृदय गति, राइट आंसर 120 से 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम किसमें पाया जाता है, इसका राइट आंसर है ओवरी में यानी कि अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु कब सोशल स्माइल देने लगता है, इसका राइट आंसर है 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोणी कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो इसका राइट आंसर है 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था का पता लगाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर है HCG। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात की श्वसन दर कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 35 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भनाल कब विकसित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को कब स्वाद का पता चलने लगता है, तो इसका राइट आंसर है 3 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो इसका राइट आंसर है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क में सामान्य श्वसन दर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है 12 से 18 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात में सामान्यतः मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, तो इसका राइट आंसर है RDS। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया रोग किस कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर है यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी फ्लूड का सामान्य रंग कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर है साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध्यतारोधी विटामिन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, इसका राइट आंसर है स्थमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक गर्भावस्था में सामान्यतः आरोपण कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद बच्चों को रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या दिया जाता है, यानी कि रक्तस्राव से रोकने के लिए कौन सा दवा दी जाती है, तो इसका सही आंसर है विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में रक्त आने को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर है हिमेचूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, तो इसका राइट आंसर है 280 दिनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल हैंडवाश में कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर है 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलीकरण में किसकी कमी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटिक फ्लूड का आयतन किससे मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, तो इसका राइट आंसर है डेंगू में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्द निवारक दवा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है एनाल्जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका नली में दोष किसकी कमी से हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है फॉलिक एसिड की कमी। इसमें फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म पंजीकरण कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, तो राइट आंसर है 21 दिन के अंदर जन्म पंजीकरण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से लंबी अस्थि कौन सी नहीं है, इसका राइट आंसर था स्कैपुला, जो कंधे की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एमनियोटिक फ्लूइड के कार्य हैं, इसमें राइट आंसर है इनमें से सभी, बाकी जो तीन ऑप्शन थे वो सही थे, चौथा लास्ट ऑप्शन जो था इनमें से सभी वो राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, इसका राइट आंसर है कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की, इसका राइट आंसर था एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब में सूजन को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है सेल्पेंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात कितने दिन के शिशु को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर था 0 से 28 दिन, 0 से 28 दिन के शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है LH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिनाल में रक्त वाहिकाओं की संख्या, तो इसका राइट आंसर था 2 धमनी और 1 सीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवजात के जन्म के बाद प्लेसेंटा कब तक निकल जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर था 15 से 30 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के अनुसार जन्म के कितनी देर बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, इसका राइट आंसर है 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन श्रोणी के भाग हैं, इसका राइट आंसर था इनमें से सभी, इनोमिनेट बोन, सैक्रम बोन, कॉकिक्स बोन, और चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी, तो राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ के पेट में शिशु के पहली हलचल को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्विकनिंग, माँ के पेट में शिशु के पहली हलचल को क्विकनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट कौन संतुलन करता है, शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन का कार्य किसका होता है, तो इसका राइट आंसर है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे की लंबाई 12 माह पर कितनी होनी चाहिए, 12 माह यानी कि 1 साल के बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर था 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर था ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से नहीं, इसलिए राइट आंसर हो गया ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था वयस्क को IM इंजेक्शन कितने ml तक दिया जा सकता है, एक सामान्य वयस्क को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने ml तक दिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर था 2 ml तक, 2 ml तक IM इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरटेंशन की सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु के फेफड़ों को परिपक्व करने की दवा यानी कि नवजात शिशु के फेफड़ों को परिपक्व करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो इसका राइट आंसर है बीटामिथासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों के लिए सामान्य श्रोणी कौन सी है, इसका राइट आंसर है गायनेक्वाइड पेल्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 से 2000 ग्राम वजन वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है अधिक कम वजन वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर था फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान
फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान। अगर एलएमपी 20 जून 2018 है तो ईडीडी क्या होगा? इसका राइट आंसर था 27 मार्च 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण को मापने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो उसका राइट आंसर था बाजू का परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिनाल के दबने का कारण क्या होता है? तो इसमें इसका राइट आंसर था 3.5 किलो से अधिक वजन का शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसगर्भता में एक बच्चे के जन्म के बाद क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर था मेथर्जिन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है? इसका राइट आंसर था प्लेसेंटा का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो उसका राइट आंसर था ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर था संचारी रोग, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ों में होने वाला सामान्य घाव, इसका राइट आंसर था मूत्र मार्ग में घाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता से बच्चे में एड्स को जाने से रोकने वाली दवा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर था निविरापीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के द्वितीय चरण में दी जाने वाली दवा, इसका राइट आंसर था ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली माता को प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर था 1000 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरा और धमनी के जोड़ को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर था 0 से 8 सप्ताह तक के बच्चे को भ्रूण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 7 सप्ताह के बाद एम्ब्रियो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर था गर्भस्थ शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन, बृहदान्त्र और रेक्टम किसके भाग हैं? इसका राइट आंसर था बड़ियात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएच का सामान्य कारण, पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, तो इसका राइट आंसर था रिटेंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दूध को कमरे के तापमान पर कितनी देर तक रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर था 6 से 8 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को कौन से टीके दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है टीटी यानी कि टेटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो इसका राइट आंसर था टीबी यानी कि क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली माता को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर था 3000 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है 28 दिन से लेकर 1 वर्ष तक के समय को शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, माँ के दूध को कितने तापमान पर रखना चाहिए? इसका राइट आंसर था 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्सर्जन में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था ऑक्सीटोसिन। दूध उत्सर्जन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूध निर्माण में प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु कब सोशल स्माइल देने लगता है? तो इसका राइट आंसर था 3 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण में क्या उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ORS।